जनता मुजफ्फरनगर के लोकवाणी सभा कक्ष में आज जिलाधिकारी सेलवा कुमारी जे द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी सेलवा कुमारी जे ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और जनप्रतिनिधियों की राय मांगी। जिलाधिकारी सेलवा कुमारी जे ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान बूथ स्थलों की अदला बदली हो जाती है, जिससे वोटर को मतदान करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और पुलिस प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था लेकर बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि वे मतदाताओं को जागरूक करें और बीएलओ से जनगणना कराकर बूथ वाइज लिस्ट बनवाकर मतदाता को उसके बूथ के बारे में जानकारी दें आदि कई विषयों को लेकर पंचायत चुनाव को देखते हुए जिलाधिकारी सेलवा कुमारी जे ने बैठक आयोजित की। संवाददाता पवन अग्रवाल की रिपोर्ट। सर बताइए आज किस विषय में आज मीटिंग की? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो पुनरीक्षण कार्यक्रम 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों के चुनाव हेतु, उसका पुनरीक्षण कार्यक्रम 1 अक्टूबर से 12 नवंबर तक प्रस्तावित है। इसमें हमारा सभी बीएलओ, सभी सुपरवाइजर, सभी एसडीएम, तहसीलदार और ब्लॉक के अधिकारी जो है वो कार्य कर रहे हैं। चूँकि हमारा लगभग एक महीना ख़त्म हो चुका है तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है इसकी रेगुलर समीक्षा की जा रही है और आज उनके द्वारा जो हमारी यहाँ पे राजनीतिक दल हैं उनके साथ भी एक उन्होंने बैठक आयोजित की थी जिलाधिकारी महोदय ने, जिसमें उन सभी जो जनप्रतिनिधि हैं और जो इनके पार्टियों के जो पदाधिकारी हैं उनको ये निर्देश जारी हुए कि जो हमारा कार्य चल रहा है उसकी वो भी मॉनिटरिंग करें, अपने अपने ग्राम प्रधानों के साथ, अपने अपने ग्राम पंचायतों में, जिला पंचायत क्षेत्रों में, वार्डों में किस प्रकार से बीएलओ काम कर रहे हैं उनकी वो भी समीक्षा कर लें और जिन ग्रामों में जनसंख्या मतदाता का अनुपात यदि ज़्यादा कम है उसकी भी समीक्षा कर लें और समय समय पर जो भी क्षेत्र में कार्य हो रहा है उसके बारे में अवगत कराया जाए। और इसके अलावा जो जिलाधिकारी महोदय ने भी जो है सभी सुपरवाइज़र, 9 ब्लॉक के सुपरवाइज़र हैं, उसमें प्रत्येक दिन एक एक ब्लॉक के सुपरवाइज़र के साथ जिलाधिकारी महोदय ने भी मीटिंग के आदेश दिए हैं ताकि बीएलओ को सैनिटाइज कर सकें कि किसी प्रकार से जो परिवर्धन या अपमार्जन का काम है वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सही मतदाता का नाम जुड़े और जो मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो बाहर रहते हैं उनका बकायदा नोटिस देकर अपमार्जन हो, संशोधन हो, किसी प्रकार की कोई कमी, कोई लापरवाही ना हो, इसके लिए लगातार निर्देश आज जारी किए गए। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन